तो सबसे पहले हमें ऐड करना है एक बाउल घी। एक बाउल घी लेना है, इसको आपने बीटर से अभी अच्छे से बीट करना है, ये अच्छे से एकदम वाइट होने तक। इसका एकदम अच्छा सा वाइट चिकना कलर आने तक इसको अच्छे से बीट करते रहना है। अभी ऐसा कलर आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पीटी शुगर। हमें इसमें 2 बाउल पीटी शुगर ऐड करना है। पीटी शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी जो होती है वो, और इसको भी वापस ऐसे बीट करना है, ऐसे एकदम वाइट होने देना है। अभी हम इसको एक साइड में रखेंगे और दूसरे हम बड़े बाउल में अभी लेंगे एक मैदा और इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक साथ और इसका एक आटा तैयार करेंगे। और ऐसा करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 बाउल एकदम बारीक सा रवा। इसके बाद हम इसमें वापस घी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसमें पानी का ज़रा सा भी यूज़ नहीं करना है, बस आटा गूंथते टाइम आप थोड़ा सा दूध का यूज़ कर सकते हो, बस बाकी पानी का यूज़ नहीं करना है। ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छे सा सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वाइट डो तैयार किया और एक चॉकलेट का डो तैयार किया। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप जो आटा जो रेडी करोगे उसके बाद में आप उसमें एंड में आप कोको पाउडर डाल के उसको चॉकलेट का कलर और चॉकलेट का टेस्ट ला सकते हो। कुछ भी नहीं ऐड करना है लास्ट में, बस आपको कोको पाउडर ऐड करके चॉकलेट का एक डो तैयार करना है बस। और अभी हमें इसके ऐसे नान कटाइज तैयार करके रखना है और ये तैयार करने के लिए हमें ओवन को 150 डिग्री पे प्रीहीट करना है 5-10 मिनट्स के लिए। तो जब तक ओवन प्रीहीट हो जाता है हम ऐसे नान कटाइज रेडी करके रखेंगे। और मैंने जो ये मार्बल के नान कटाइज जो बनाए हैं वो मैंने वाइट और चॉकलेट डो मिक्स करके बनाए हैं। हाफ हाफ लेना है थोड़ा थोड़ा। बहुत सही लग रहे हैं ना नान कटाइज। अभी हम इसको 30-40 मिनट्स तक अच्छे से बेक करेंगे। एंड हियर इज आवर डिलीशियस होममेड नान कटाइज आर रेडी। अगर आपको मेरा ये डिश अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।